वेलकम टू एमएचबी आई टेक्नोलॉजीज। तो आज का जो टॉपिक है बैकअप। एक्चुअली बैकअप कैसे में यूज कर रहे हैं एमएस एसक्यूएल सर्वर में। बैकअप कई के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन, सपोज डाटाबेस यूज कर रहे हैं हम, करप्ट हो गया डाटाबेस एंड कुछ डैमेज हो गया, तो उस टाइम पे हमारा क्या है, बैकअप जो यूज करे हुए हैं वो उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। मीन्स डेली बैकअप यूज कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, बैकअप SQL Database 2.ba के फॉर्मेट। ये फाइल एक्सटेंशन है .ba के, किस में यूज कर रहे हैं, MS SQL सर्वर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। बैकअप तो इन्वायरमेंट क्या है इसका, लोकल सर्वर, SQL Database, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, मस्ट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू दी लोकल सर्वर डेस्कटॉप। लोकल सर्वर डेस्कटॉप में भी हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बैकअप। मस्ट हैव माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल एंड रन ऑन दी सर्वर पीरियड टू दी एक्सपोर्ट। यहाँ पर आपका मैनेजमेंट जो एमएस एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है इंस्टॉल रहना और रन रहना कंपलसरी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वन हम क्या देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे, प्रोसीजर कैसा हम यूज करना डाटाबेस को बैकअप लेने के लिए। फर्स्ट वन, ओपन एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, हम ओपन कर रहे हैं मैनेजमेंट स्टूडियो एंड कनेक्ट टू दी एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने के बाद में एक्सपैंड डाटाबेसेस, एक्सपैंड कर रहे हैं डाटाबेस को। उसके बाद में राइट क्लिक ऑन दी डेटाबेस यू वांट टू बैकअप, देन सेलेक्ट टास्क, टास्क पे यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकली स्क्रीनशॉट देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्टेड है डाटाबेस, तो यहाँ डेटाबेस को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, एक्सपैंड करने के बाद में ये पूरे डेटाबेस के नेम आ गए। यहाँ सैंपल पे राइट साइड माउस क्लिक करने के बाद में टास्क आ रहा है, टास्क के बाद में बैकअप ले रहे हैं। एक्चुअली सैंपल हम डेटाबेस को हम क्या कर रहे हैं, बैकअप ले रहे हैं। दूसरे पे भी ले सकते हैं, डेटाबेस टू एंड अनदर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, जो भी आपका डेटाबेस नेम है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, सैंपल, अंडरस्टैंड, सैंपल वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर राइट साइड माउस क्लिक करके टास्क पे क्लिक करने के बाद में बैकअप ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एक बार प्रोसीजर देखो, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक ऑन दी डाटाबेस यू वांट टू बैकअप, देन सेलेक्ट टास्क, टास्क पे सेलेक्ट करने के बाद में बैकअप ऑप्शन आ रहा। दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर वर्जन 18 और 19 में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट उसका मेथड है वो वर्जन के लिए। ऑन दी बैकअप डेटाबेस विंडो मेक श्योर दी डेटाबेस फील्ड कंटेन दी नेम ऑफ दी डेटाबेस यू वांट टू बैकअप। यहाँ पर आपका नेम कंपलसरी वहां पर रहना चाहिए, ठीक है। डेटाबेस मीन्स नेम अगर डेटाबेस का करेक्ट नहीं रहा तो वहां पर डेटाबेस बैकअप करेक्ट नहीं होगा, रिस्टोर नहीं होगा। उसका ना सेलेक्ट बैकअप टाइप बाय डिफॉल्ट इट इज फुल, यहाँ पर फुल आ जाएगा, स्क्रीनशॉट में देख लो आप, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फुल आ गया यहाँ पर, रिकवर्ड मोड फुल, ये बैकअप टाइप फुल हो गया, ये डाटाबेस नेम हो गया सैंपल। या हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करना, ये आपका डेस्टिनेशन लोकेशन बताएगा। अगर ये लोकेशन डिफॉल्ट ले लेगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर कहाँ पर इंस्टॉल है उसमें एक फोल्डर रह जाएगा, ठीक है, बैकअप बोल के। ये आपका डाटाबेस फाइल है, अगर डायरेक्टली ओके कर देंगे तो क्या रहेगा, आपका सक्सेसफुल हो जाएगा बैकअप। अगर नहीं, इसको ऐड करना है अनदर डाटा लोकेशन, फिजिकल लोकेशन से यहाँ पर ऐड करना है, तो फर्स्ट वन रिमूव करके यहाँ पर ऐड कर ले सकते हैं। डी ड्राइव, पिन ड्राइव, अनदर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, कौन से लोकेशन में क्लाइंट्स आपका जो सिस्टम है उसमें भी आप बैकअप कर सकते हैं। तो हम और एक बार यहाँ पर प्रोसीजर देखेंगे, बैकअप टाइप लिए, फुल लिए, उसके बाद में रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसको, डाटाबेस को, ठीक है। एंड उसके बाद में फिजिकल लोकेशन आ रहा है कि वो कौन से लोकेशन में फाइल सेव हो रहा। उसके बाद में क्या होगा, आपका ओके बटन क्लिक करेंगे तो बैकअप सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फर्स्ट वन हम क्या कर रहे हैं, वन सेकंड देखिए, फर्स्ट एक्सपैंड कर रहे हैं डाटाबेस को। एक्सपैंड करने के बाद में सैंपल पे राइट साइड माउस क्लिक करने के बाद में बैकअप आ रहा है। बैकअप पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा, ये विंडो ओपन हो जाएगा। ये विंडो में आपको जस्ट क्या करना है, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है इसमें, ठीक है, ओके बटन क्लिक करना है। मगर यहाँ पर रिमेम्बर, ये आप कौन से लोकेशन में सेव करना है, अगर आपको रिमूव करके ऐड दूसरे लोकेशन भी कर सकते हैं। अगर डिफॉल्ट में सेव करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि बैकअप किस में डाटाबेस सेव हो रहा, ठीक है। उसके बाद में ओके करने के बाद में दी डाटाबेस बैकअप ऑफ डाटाबेस सैंपल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये सैंपल क्या है आपका,
डाटाबेस नेम हो गया, ठीक है। ये डाटाबेस हम क्या कर रहे हैं, बैकअप ले लिए। बैकअप के बाद में सपोज हमको रिस्टोर करना है, करप्ट हो गया आपका डाटाबेस, डैमेज हो गया, कुछ मिसिंग हो गया, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से आपका फाइल्स फिर एक बार रिस्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या करना प्रोसीजर, सपोज यहाँ पर सैंपल डाटाबेस नहीं है, ठीक है, सैंपल डैमेज हो गया, तो डाटाबेस पे रख के क्या करना है, राइट साइड माउस क्लिक करने के बाद में रिस्टोर डाटाबेस ऑप्शन आएगा। वंस अगेन यहाँ पर डाटाबेस पे क्या करना है, राइट साइड माउस क्लिक करके रिस्टोर डाटाबेस करना है। रिस्टोर डाटाबेस करने के बाद में अनदर विंडो ओपन हो जाएगा। ये विंडो में क्या करना है, आपको डिवाइस सेलेक्ट करना है। डिवाइस में यहाँ पर आप क्या करना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में और एक ये विंडो आ जाएगा, ठीक है, सेलेक्ट बैकअप डिवाइसेस। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऐड पे क्लिक करना। ऐड पे क्लिक करें तो ये विंडो क्या होगा, आपका डिफॉल्ट लोकेशन दे देगा। अगर डिफॉल्ट लोकेशन में आपका डाटाबेस है तो ओके, अगर डिफॉल्ट लोकेशन में नहीं है आपका डाटाबेस में, सो डिफरेंट लोकेशन में है, तो वहां से आपका डाटाबेस सेलेक्ट करके इसको क्या करना है, आपको ओके करना। ये सेलेक्ट करने के बाद में लोकेशन आ जाएगा आपका फिजिकल लोकेशन, ये आपका फिजिकल लोकेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद में जस्ट ओके अगर प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डाटाबेस रिस्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल चेक करके देखेंगे, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल में हम हमारा एक सैंपल डाटाबेस है, ये हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर दिए थे। अगर इसको सपोज और एक बार आपको रिकनेक्ट करके देखना है, शुरू से प्रोसीजर कैसा यूज कर रहे थे हम, ये डाटाबेस मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। डाटाबेस हमारा जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2014 वर्जन है। अभी 14 वर्जन है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डाटाबेस को, फर्स्ट वन हम डाटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद में डाटाबेस इसको एक्सपैंड करता हूँ मैं। अब यहाँ पर डाटाबेस को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड करने के बाद में सैंपल डाटाबेस, सैंपल डाटाबेस को हम एक्सपैंड करके यहाँ पर देखो कितने यहाँ पर फाइल टेबल्स है हमारे पास, टोटल 5 टेबल्स है। 5 टेबल्स कौन कौन सा, ये देखिए, मार्कशीट 1, 2, 3 एंड स्टॉक एम्प्लॉय, ये हमारे टेबल्स है, ठीक है। टेबल्स में, ठीक है, टेबल्स यहाँ पर 5 टेबल्स है, किसमें, सैंपल में। तो सैंपल डाटाबेस में क्या कर रहा हूँ, बैकअप यूज कर रहा हूँ। बैकअप के लिए फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, यहाँ पर टास्क में आ जाएंगे। टास्क में आने के बाद में आपको क्या होगा, यहाँ पर बैकअप आ जाएगा। ये बैकअप में आपको क्या करना है, फुल यहाँ पर फुल सेलेक्ट करना है, क्या डिफरेंट ये फुल डिफॉल्ट रहा तो अच्छा रहेगा बैकअप, इसको चेंजेस मत करो। ये आपका क्या रहेगा, ये फिजिकल आपका डाटाबेस कहाँ पर स्टोर हो रहा है, ठीक है। सी प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर फोल्डर, एमएस एसक्यूएल सर्वर 12, एमएस एसक्यूएल सर्वर, एमएस एसक्यूएल बैकअप सैंपल डॉट बी के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लोकेशन हम सी ड्राइव में जाके देख लेंगे। ये सी ड्राइव में आ गए हम, ठीक है। सी में आने के बाद में प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स में आने के बाद में एमएस एसक्यूएल सर्वर, एमएस एसक्यूएल सर्वर के बाद में हम क्या करना है, उसको फोल्डर एमएस एसक्यूएल सर्वर, एमएस एसक्यूएल सर्वर में यहाँ पर 12 एमएस एसक्यूएल सर्वर, ये डिफरेंट डिफरेंट में ऑलरेडी वर्षन दूसरे भी है एसक्यूएल सर्वर की, इसलिए इंस्टॉलर उसको कंफ्यूजन नहीं कर लेना, ये सेलेक्ट कर ले रहा, ठीक है। अब उसमें एमएस एसक्यूएल सर्वर यहाँ पर चेक करेंगे ऑलरेडी है क्या बैकअप, ठीक है। ये बैकअप फोल्डर में ओपन करें हम, ये हमारा फिजिकल लोकेशन में यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद में बैकअप पे आ गए हम, बैकअप पे जस्ट ओके क्लिक करना है, ओके क्लिक कर दिए, ठीक है। बैकअप सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पर बैकअप सक्सेसफुल होने के बाद में हमको क्या करना है, ऑलरेडी बैकअप सक्सेसफुल हो गया है, तो इसको हम जस्ट डिलीट कर दिए। डिलीट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंड। सपोज आपका करप्ट हो गया, डैमेज हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अब ये आपका एसक्यूएल सर्वर सपोज वर्क भी नहीं कर रहा, अनइंस्टॉल कर गया और एक बार इंस्टॉल कर लिया आप, इंस्टॉल करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर के लिए हम क्या करना है, फर्स्ट वन डाटाबेस पर रखना है। डाटाबेस पर रखने के बाद में माउस, डाटाबेस पर माउस राइट साइड माउस क्लिक करना है, रिस्टोर डाटाबेस पे क्लिक करना है, ठीक है। रिस्टोर पर डाटाबेस पे क्लिक करने के बाद में और एक बार देख लीजिए विंडो, ये कैंसिल करता हूँ, यहाँ पर राइट साइड माउस क्लिक कर रहा हूँ मैं, रिस्टोर डाटाबेस ले रहा हूँ। रिस्टोर डाटाबेस लेने के बाद में ये विंडो ओपन हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये विंडो ओपन होने के बाद में यहाँ पर हम क्या करना, डिवाइस पे सेलेक्ट करना, डिवाइस पे सेलेक्ट करने के बाद में इस पे क्लिक करना, एक विंडो ओपन हो गया। ये विंडो में हम क्या करना है, बैकअप मीडिया फाइल, यहाँ पर मीडिया फाइल हम सेलेक्ट करना, अगेन और एक विंडो ओपन होगा, ठीक है। ये विंडो ओपन होने के बाद में हमारा जो बैकअप फोल्डर है यहाँ पर बता रहा देगा, ठीक है, सैंपल डॉट बी के, पहले नहीं था फाइल, बाद में बैकअप होने के बाद में सक्सेसफुल यहाँ पर स्टोर हो गया, ठीक है, सेव हो गया ये बैकअप। हम इसको क्या कर रहे हैं, हमारे एमएस एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो में हम रिस्टोर कर रहे हैं सैंपल, और एक बार देख लो,
ठीक है, कैंसिल कर देता हूँ मैं इसको रिस्टोर करने से पहले। अब यहाँ पर चेक करो, डाटाबेस सैंपल नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, डाटाबेस पे सेलेक्ट करने के बाद में रिस्टोर डाटाबेस पे क्लिक कर रहे हैं। रिस्टोर डाटाबेस पे राइट साइड माउस के साथ क्लिक कर रहे हैं, डिवाइस पे सेलेक्ट करने के बाद में, और यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं। ये विंडो क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट बैकअप डिवाइसेस ऐड करना है। ऐड करने के बाद में फाइल डाटाबेस पे जस्ट सेलेक्ट करके ओके करना है। ठीक है, ओके करने के बाद में आप ये देखिए लोकेशन आ गया यहाँ पर बैकअप फाइल्स, ओके कर दो आप। ओके करने के बाद में यहाँ पर कुछ एरर अगर आ गया तो समझना कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा बैकअप सक्सेसफुल रिस्टोर हो रहा, ओके कर दो आप। ओके करने के बाद में आपका डाटाबेस सैंपल रिस्टोर सक्सेसफुली, ये हमारा डाटाबेस सैंपल सक्सेसफुल रिस्टोर हो गया। यहाँ पर चेक करेंगे टेबल्स, थ्री मार्कशीट 1 2 3 हो गया, एम्प्लॉय एंड स्टॉक, ये हमारा रिस्टोर हो गया। तो और एक बार यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फिजिकल जो हमारा लोकेशन था, ठीक है, फिजिकल जो लोकेशन ये है हमारा फिजिकल लोकेशन, इसको यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद में बैकअप डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद में हम इसको अगेन और एक बार ले लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑलरेडी सैंपल है हमारा, सैंपल को हम क्या करेंगे, नाम चेंज करेंगे, सैंपल 100। ओके, सैंपल 100 एक डाटाबेस है, सेम टेबल्स है इसमें, टेबल डिफरेंट नहीं है यहाँ पर, सेम टेबल। टेबल क्यों, क्यों तो चेंज नहीं होगा, डाटाबेस का नेम चेंज कर दिया हमें इसको। राइट साइड माउस क्लिक करने के बाद में टास्क में आना है, ये बैकअप यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट वन बैकअप रिस्टोर नहीं, बैकअप यूज कर रहा हूँ मैं। बैकअप क्लिक करने के बाद में हमको कुछ भी इस पे चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, अगर लोकेशन कुछ चेंज करना है तो रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो डिफॉल्ट में रहने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड ओके कर दो। ओके करने के बाद में बैकअप ऑफ डाटाबेस सैंपल 100 कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये आपका बैकअप हो गया। बैकअप होने के बाद में हम इसको क्या कर देंगे, डिलीट। मीन्स सपोज आपका करप्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका करप्ट हो गया डाटाबेस, करप्ट होने के बाद में यहाँ से एमएस एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आपका डाटाबेस यहाँ पर नहीं है, करप्ट हो गया। अब फिजिकल लोकेशन यहाँ पर चेक करेंगे हम, आ गया यहाँ पर देखिए फिजिकल लोकेशन में सी ड्राइव में। तो अब रिस्टोर करना है, रिस्टोर के लिए हम क्या करना है, डाटाबेस पे सेलेक्ट करना है, राइट साइड माउस क्लिक करके रिस्टोर डाटाबेस पे क्लिक करना है। रिस्टोर डाटाबेस पे क्लिक करने के बाद में डिवाइस सेलेक्ट करना है, डिवाइस ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में इसको क्या करो, क्लिक कर दो। ठीक है, क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट बैकअप डिवाइसेस जो विंडो आ रहा उसमें अगेन और एक बार सेलेक्ट करना है, अंडरस्टैंड। तो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ करना डाटाबेस सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ये डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ले रहा लोकेशन सेलेक्ट करने का। अगर नहीं लिया लोकेशन तो यहाँ से आप चेंज कर ले सकते हैं, ये लोकेशन से भी आप चेंज कर ले सकते हैं, कौन से ड्राइव में है, क्या है आपका डाटाबेस, पूरा आपके सी ड्राइव डी ड्राइव पूरा आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डाटाबेस में डिफॉल्ट ले रहे हैं, डिफॉल्ट डाटाबेस सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद में यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में ओके कर दिया हमने। अब ओके करने के बाद में देखिए नो एरर, ठीक है, सक्सेसफुल हो जाएगा ये, यहाँ पर डाटाबेस सैंपल 100 रिस्टोर सक्सेसफुली। अब देखिए 100 यहाँ पर रिस्टोर हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंड, ये हम यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू बताया था, ओके बटन क्लिक करने के बाद में ये मैसेज आ रहा, डाटाबेस सैंपल रिस्टोर्ड सक्सेसफुली। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल्स।